भाई बात की जाए आज के एपिसोड की, तो आज के एपिसोड में पारस छाबड़ा जैसा गंदा नीच लड़का मैंने नहीं देखा है उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके साथ ही भाईजान सलमान खान के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि हर किसी की वहां पे केयर किए, मधुरी माँ हो या फिर आकांक्षा पुरी हो या फिर हिमांशी खुराना हो, हर किसी की केयर किए। कैसे, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो विशाल आदित्य सिंह का बहुत बड़ा प्लान सक्सेस होता हुआ आज आपको देखा, यानी मधुरी माँ का एविक्शन। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। किसी लड़की का रिस्पेक्ट कैसे करना है ये भाईजान सलमान खान से सीखना चाहिए। बात की जाए आज के एपिसोड की, तो जहां पर 3-4 दिनों से वहां पे पिंजरे में बंद है विशाल आदित्य सिंह और मधुरी माँ, इसी के ऊपर फैसला था वहां पर भाईजान सलमान खान का। और भाईजान सलमान खान ने आते ही एक लाइन वहां पर कही कि भाई यार तुम लोग ये क्या करते हो घर में, और ये सारी चीजें जो आपने घर में की इस वजह से मुझे इसमें घसीटा है और मुझे डिसीजन लेने के लिए वहां पे कहा गया है। हालांकि डिसीजन साफ था, वहां पे वोट्स के हिसाब से भी वहां पे मधुरी माँ ही घर से बाहर जाने वाली थी, और ऐसे भी वहां पर जो वायलेंस हुआ था इसके वजह से उन्हें ही निकाला जा रहा था। तो वहां पर जो है भाईजान सलमान खान को ये डिसीजन लेने के लिए कहा गया था। अब भाईजान को वहां पर ये पसंद नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर स्टार्ट से ही, जब से मधुरी माँ घर में, घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, तभी से विशाल आदित्य सिंह ये नहीं चाहते थे कि वो बंदी इस घर में रहे, और वो बार बार उसे पोक कर रहे थे। हालांकि उसकी वहां पे गई कोई गलती नहीं, ऐसे मैं कभी नहीं कहूंगा, दोनों की भी गलती है, दोनों भी अपनी लेवल क्रॉस करते रहे। लेकिन जैसे भी विशाल बोलते हैं ना कि ये मुझे ट्रिगर करती थी, वैसा नहीं है। जैसे आपने पिछले बार एक सीन में दिखाया गया था कि मधुरी माँ सो रही थी, विशाल आदित्य सिंह उनके पास जाते हैं, उनको गार्डन एरिया में ले जाते हैं और वहां पर वो झगड़ा करते हैं उनके साथ, तो ये सारी बातें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत अच्छी तरीके से विशाल आदित्य सिंह को बताया मधुरी माँ जाने के बाद कि देखो विशाल, मैं और रश्मि देसाई, हमारे दोनों में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन जब इस तरीके के झगड़े होते हैं तो हम एक दूसरे के करीब नहीं आते, या फिर हम एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं करते ताकि ऐसा कोई झगड़ा हो। तो ये सारी चीजें आप दोनों को नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली तुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये बात बहुत अच्छी कही वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने, लेकिन कहीं पर भी वो विशाल आदित्य सिंह मानने के लिए तैयार नहीं थे। और हर किसी को, यानी मधुरी माँ को भी ऐसे लगेगा कि यार इसमें मेरी ही गलती है, और विशाल आदित्य सिंह को भी वहां पे ऐसे लगेगा कि इसमें मेरी ही गलती थी। तो भाईजान सलमान खान कतई वहां पर इस तरीके से, यानी निष्कासित करके वहां पे मधुरी माँ को नहीं निकालना चाहते थे। इसके पहले हमने जितने भी ऐसे निष्कासित किए हुए सदस्य देखे होंगे, उसमें बहुत बुरी तरीके से बैश करके उनको घर से बेघर किया था, लेकिन मधुरी माँ को बहुत ही छोटे वर्ड्स में, यानी बहुत ही हल्के वर्ड्स में वहां पे समझा के, और यार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मेरा जो है अब मैं, मजबूरी है मेरी कि मैं आपको घर से बेघर कर रहा हूं या निष्कासित कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके बीच में घसीटा गया हूं डिसीजन लेने के लिए। इस तरीके से बहुत ही प्यारे शब्दों में उनको घर से बाहर किया, ताकि वहां पे भाईजान सलमान खान खुद नहीं चाहते थे कि ये हो, क्योंकि यहां पे पूरा जो है विशाल आदित्य सिंह का प्लान सक्सेस हुआ है, और वो भी जानते थे कि इसमें वायलेंस किया है तो ये घर से बाहर जाएगी। और इतनी बार ट्रिगर करने के बाद वहां पे एक ना एक बार मधुरी माँ वायलेंस करेगी, ये विशाल आदित्य सिंह को पता था। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि ये घर के जब बाहर थे घर से पहले, तो इन्होंने बहुत उनकी मार खाई है, बहुत पीटे गए हैं ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था ये इस घर में भी एक ना एक बार ये चीज करेगी और ये घर से बाहर जाएगी। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों पर, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इस पर कहीं ना कहीं मुझे शहनाज अच्छी लगी, सही लगी कि शहनाज ने जो स्टैंड लिया था मधुरी माँ के साथ कि यार इसने ना उसे ट्रिगर किया, इसके मुंह पे पानी फेंकने की कोई जरूरत थी ही नहीं वहां पे, तो ये करने के बाद तो मधुरी माँ अगला स्टेप तो करेगी, ये तो ऐसे ही नहीं बैठे कि इसको पता है उसका जो नेचर है वो। बहन जी होने के बाद जो वहां पर रश्मि देसाई बात कर रहे हैं कि चलो वो ट्रिगर होता है विशाल आदित्य सिंह, तो बहन जी होने के बाद, वो सारे मामला होने के बाद, दो बार बिग बॉस की अनाउंसमेंट हो गई कि आप एक दूसरे के ऊपर पानी ना फेंके, आप कैमरा के ऊपर पानी ना फेंके, कैमरे को संभाले। अब उसके बाद हमने ये देखा कि ये मामला ठंड हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो विशाल है, विशाल जाकर उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं, उसके माइक पर भी पानी जाता है, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं थी वहां पे। मामला अगर ठंडा हो चुका था, फिर
फिर एक बार वही चीज दोहरा रहे कि क्या जरूरत थी वहां पे, उनको पता है कि मधुरिमा कुछ ना कुछ करेगी, वैसे ही किया और फिर पिंजरे में बंद थे 3-4 दिन। और जैसे कि चाहते थे विशाल आदित्य सिंह, मधुरिमा घर से बेघर हो गई। आपको क्या लगता है सारी बातों पर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। चलिए इनके झगड़े की बात तो अलग ही रखते हैं क्योंकि ये स्टूपिड दिख रहे थे, आज प्यार कल झगड़ा फिर प्यार फिर झगड़ा, मतलब ये स्टूपिड ही दिख रहे थे। बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में हम ये देखते हैं कि आसिम और हिमांशी का मैटर। अब आसिम और हिमांशी का एक अलग बॉन्ड घर के अंदर बन चुका था और ये बहुत क्लोज आ गए थे, यानी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। और उसी बीच हिमांशी खुराना का वहां पे एविक्शन होता है। अब इसी बारे में यानी इनके लव एंगल के बारे में भाईजान सलमान खान वहां पे चर्चा करते हैं। अब कुछ स्टूपिड पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखी, मतलब ब्रेनलेस जो पीपल होते हैं उनके पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे देखे, जो कह रहे हैं कि आसिम अब घर में प्यार कर रहा है, वो भी हजम नहीं हो रहा है भाईजान सलमान खान को। मतलब ये क्या बात हुई भाई, ऐसी कुछ चीज नहीं है। उनका मोटिव उसके पीछे बहुत बड़ा था, वो आसिम को भी समझ में आ गया और जो अच्छे ब्रेन से वहां पे दिखते हैं, जो ध्यान से एपिसोड देखते हैं, उनको भी उसका मोटिव वहां पे समझ में आ गया होगा। बात ऐसी है कि अब जो पराग थे शेफाली के हस्बैंड, वो घर में आने के बाद इनको बताते थे कि उसका जो है उसने ब्रेकअप कर लिया है और वो मैरी नहीं कर रही है उस बंदे के साथ और वो तेरे लिए बाहर वेट कर रही है हिमांशी खुराना। आसिम यहाँ पर बहुत खुश होते हैं, वो परफ्यूम वगैरह लेकर वो सोते थे और उनका परफ्यूम रोज मारकर सोते थे, ये बात भी उन्होंने वहां पे कही। अब भाईजान वहां पर उनको ये कह रहे हैं कि आप ये सारी क्या बातें कर रहे हो घर में, मतलब क्या पहली बार आपको प्यार हुआ है क्या? तो इस पर आसिम का ये बोलना था कि हाँ मुझे पहली बार ही प्यार हुआ है और ऐसा पहली बार ही हुआ है। तो ये होने के बाद वहां पर जो भाईजान है वो कहते हैं कि आपकी वजह से बाहर उसका ब्रेकअप हो गया है, उस बंदे के साथ वो अलग अलग हो गई है। हालांकि इस बात पर आसिम ने भी घर में जो उनको ये बात पता चली थी तो उन्होंने कहा था कि यार मुझे उस बंदे के बारे में मैं सैड फील कर रहा हूँ, हालांकि दूसरे साइड में मैं खुश भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिल के अंदर मैं खेद वहां पर व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन भाईजान कहते हैं कि वो जो बंदा है, उस बंदे ने कहा कि हमारे में ये सारी चीजें नहीं चलती है और इस वजह से मैं हिमांशी के साथ ब्रेकअप कर रहा हूं। अब हिमांशी जो है पूरी तरीके से आसिम की हो चुकी है और आसिम के लिए बाहर वेट कर रही है। तो भाईजान का यहां पे ये मोटिव था बताने का कि देख आसिम, तेरी वजह से उसकी जो एंगेजमेंट हुई थी वो कैंसिल हो चुकी है, वो टूट चुकी है, तो तू जब बाहर जाएगा और उसके साथ जब तू एक हो जाएगा, आप दोनों जब रिलेशनशिप में आओगे तो लाइफ लॉन्ग आप रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि आपके लिए उसने बहुत बड़ा कदम वहां पर उठाया है। ये बात उसको बतानी थी भाईजान सलमान खान को, ना कि उसको प्यार करने के लिए अपोज किया। जो ब्रेनलेस पीपल है जो सोशल मीडिया पे कुछ चीजें वहां पे फैला रहे हैं, भाई अपना ब्रेन यूज करो, जो दिया है दिमाग उसका कुछ तो यूज करो यार। मतलब भाईजान को यह कहना था कि उस बंदी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उस बंदी ने अगर इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की है उसके लाइफ में तो ये बंदे ने भी उसका पूरे लाइफ में हर दिन वहां पे उसका साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ये पूरा जो मोटिव था भाईजान सलमान खान का बहुत अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट के मामले में लड़की हो या फिर बुजुर्ग हो, बहुत अच्छा है भाईजान सलमान खान का नजरिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाहर वाले लोग जो घर के अंदर गए थे, 3 लोग वहां पर, करण सिंह ग्रोवर, गौतम गुलाटी और बिंदु दारा सिंह, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई गई। अब ये शूट के पहले हुआ था, ये टास्क था जो, तो इसमें करण सिंह ग्रोवर घर के अंदर जाते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरती सिंह के वहां पे बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद वो आरती सिंह को बहुत अच्छे से बातें वहां पे कहते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के पास जाकर उन्हें एक योगा का साधन बताते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप उस तरीके का योगा का साधन करें। उसके बाद भाईजान सलमान खान इनको पूछते हैं कि आपको क्या योगा का साधन वहां पे सिखाया गया एंगर कंट्रोल करने के लिए, तो आप ये कब यूज करना चाहोगे। बहुत अच्छा आंसर दिया सिद्धार्थ शुक्ला ने कि मैं जो हूं मैं इस तरीके की चीज यूज करने का मेरे पे नौबत ना आए, इस तरीके से मैं रहूं। और बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला उसी तरीके से रह रहे हैं, पहले इनके बहुत सारे झगड़े होते थे, बहुत सारी चिड़चिड़ होती थी, लेकिन अब ये हर किसी को एंटरटेन करते और इनके झगड़े बहुत कम हो चुके। हालांकि रश्मि देसाई के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता वहां पर इस बंदे का बन चुका है और सोशल मीडिया पर भाई ये छाया हुआ है, इस बंदे को जितना सपोर्ट हो रहा है वो
किसी को भी नहीं हो रहा इस घर में। सिद्धार्थ शुक्ला हैट्स ऑफ। उसके बाद हम देखते हैं बिंदु दारा सिंह की एंट्री। ये जो है सोशल मीडिया पे इन्होंने पहले बहुत सारी बातें कह दी थी कि हमें 15 मिनट दिए थे घर के अंदर जाने के बाद, हर एक कंटेस्टेंट को जाके कुछ ना कुछ चीजें उनको कहनी थी। अब 15 मिनट की चीज उन्होंने 5 या 7 मिनट में कर दी। अब इनको पता है कि बहुत सारे चीज वहां पर काटते हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली थी कि बहुत सारे चीज काटते हैं, इसलिए मैंने 5 या 7 मिनट में ही कर दिया। अब भाई देखो इनके 5 और 7 मिनट में इतनी जल्दी जल्दी ये चीजें उन्होंने बोली है, तो इसको भी काट के वहां पे 30-40 सेकंड में या 1 मिनट में यहाँ पे खत्म कर दिया है बिंदु दारा सिंह को। जो चीज मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जो चीज काटी है वो एक चीज थी वहां पर, शायद आपने प्रोमो में देख ली होगी कि वहां पे वो असीम रियाज को बोलते हैं कि आप जो है आपका जो बाहर एक नाम पड़ा है चूसलेट, और इसका मतलब ये है कि आप चिंगम की तरह एक टॉपिक को बहुत चूसते हो या फिर खींचते हो जो नहीं खींचना चाहिए, तो इस तरीके से आपको ये नाम पड़ा है। और आप जिस बंदे के साथ पंगा ले रहे हो वो हिमालय का जैसा है, यानी बहुत बड़ा बहुत ऊंचा, यानी सिद्धार्थ शुक्ला, तो उससे पंगे ना ही ले क्योंकि आप बहुत छोटे दिखते हो। इस तरीके की बातें वहां पर बिंदु दारा सिंह ने वहां पर कर दी थी, लेकिन ये सारी चीजें वहां पर काट दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि गौतम गुलाटी भाई ये किसी के लिए नहीं आए थे, बस सना के लिए आए थे। सना के पास गए, सना के साथ झप्पिया पप्पिया हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला के पास में जाके डांस हो गया और फिर ये घर से निकल जाते हैं। अब सना या सना जो है, आपको पता है कि सना को गौतम गुलाटी कितने ज्यादा पसंद है, ये उनकी फैन है, तो इसीलिए इनके लिए ही घर के अंदर इनको लाया गया था। चलो ये फनी मोमेंट्स थे। उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे, पारस छाबरा। आबरा का डाबरा पारस छाबरा जो है मेरे दिमाग से उतर गया भाई, भाई मेरे दिमाग से पारस छाबरा उतर गया। जो भी पारस के फैंस मुझे बोलते थे बार बार तू पारस को टारगेट क्यों करता है, हमारा पारस ऐसा वैसा, घर पे लेके जाओ यार उसको, घर पे लेके जाओ ये पारस, अगर तुम इसको सपोर्ट करते हो ना इसको घर पे लेके जाओ। इस तरीके के बंदे, इस तरीके के लड़के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो लड़की आकांक्षा या रिस्पेक्ट करता हूं मैं इस बंदे की, ये बाहर से उसको इतना सपोर्ट कर रही है, इतनी सारी चीजें उसको घर में भेज रही है, जो भाईजान सलमान खान की तरफ से हमें समझ में आया, और ये बंदा उसको मतलब कुछ भी नहीं समझता। मतलब इस बंदे का कहना यह है कि ये जो लड़की है, ये लड़की खुद अपने मन से ही मेरे साथ अटैच है, मैं मुझे तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। भाईजान सलमान खान ने कहा कि पारस देख भाई, तू जो तेरे लिए ये इतनी सारी चीजें घर में कर रही है, इतने सारा पैसा खर्च कर रही है और तू इस तरीके की बातें कर रहा है, तो इस पे ये पारस इस मतलब इसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, ये बोल रहा है कि मैं जब मुझे पेमेंट मिलेगा बिग बॉस का तो मैं इसका पेमेंट इसके पैसे इसको लौटा दूंगा। शर्म कर भाई, शर्म कर। बाहर आने के बाद अगर तू ये मेरा वीडियो देखेगा ना भाई, शर्म कर और डूब जा, किसी पानी में डूब जा, मर जा तू। क्योंकि भाई अगर तेरे ये बंदी इतनी सारी चीजें कर रही है और तू इसे पैसों के रूप में देख रहा है, ये बंदी तेरे लिए प्यार कर रही है, तेरे पे प्यार है इसलिए ये सारी चीजें कर रही है, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके तेरे जो पसंद का खाना है वो वहां पे इकट्ठा कर रही है और तुझे डिब्बे में घर में भेज रही है, तू इसका नाम भी नहीं ले रहा और तू ऐसा एहसान बता रहा है कि मैं इसके जो एहसान है ये पैसों के रूप में उसे वापस कर दूंगा। तो भाई तेरे जैसा नीच बंदा मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखा। मतलब जो कुछ भी भाईजान सलमान खान ने तेरे पे दिखाया है ना, बहुत मतलब सही था, और तू जब बाहर आएगा ना भाईजान सलमान खान तुझे क्या करेंगे ना, तू समझ में भी नहीं सकता। तेरा करियर खत्म भाई, तेरा करियर खत्म है पारस छाबरा। और तू जो कुछ अपनी माँ की, खुद अपने माँ की नहीं सुनता तू, तो भाई तू कहीं का भी नहीं है। जो भी चीजें तू माहिरा शर्मा के साथ कर रहा है, माहिरा शर्मा भी इसका साथ दे रही है, माहिरा शर्मा समझ में नहीं आ रही क्योंकि बहुत छोटी है। जो हमारी एज होती है, हमें जो मैच्योरिटी आती है, माहिरा शर्मा को वो मैच्योरिटी नहीं है और माहिरा शर्मा नहीं समझती है कि ये बंदा ना कितनी बड़ी गेम खेल रहा है। वो बाहर आने के बाद भी इसको ही सपोर्ट करेगी क्योंकि उसको नहीं लगता कि ये बंदा उसको फंसा रहा है, लेकिन इसका असली रूप ना हमें दिखाई दिया भाई। ये बहुत गलत कर रहा है, उस लड़की के साथ गलत कर रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई आकांक्षा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, नहीं मत रहो ऐसे बंदे के साथ जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता और पैसे के रूप में आपकी जो एहसान है या आपकी मदद है इसे पैसों के रूप में वो अगर देखता है, तो इस बंदे के साथ आप पूरी लाइफ खुश या इस तरीके से नहीं रह सकते। शायद हो सके कि आप इससे शादी भी कर लो, लेकिन यार कुछ दिनों बाद आपको इसका असली रूप दिखाई देगा। तो बेटर है
आप ऐसे बंदे के साथ बिल्कुल भी ना रहे। ये भाई सजेशन था मेरा, लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे पारस छाबड़ा। और भाईजान ने जिस तरीके से इनकी क्लास ली है, जिस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे भाईजान सलमान खान को, भाई ये करियर खत्म कर देंगे तेरा। मतलब ऐसा नहीं यार, ये किसी के लिए गलत सोच रखते हैं, लेकिन इस तरीके के लड़कों के साथ इसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए। भाईजान सलमान खान ने तो बहुत कम किया यार। ये जब गुस्सा होते हैं तो इनकी मांसपेशियां वहां पे खींच जाती है चेहरे की, इनको थोड़ी बीमारी है, फिर भी इनको गुस्सा होने का मौका देते हैं वहां पे, फिर भी इनको जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट की वहां पर पारस छाबड़ा ने, इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट। वो आपके घर में वहां पे कंटेस्टेंट बन के नहीं आए है आपके लिए, और जो ऑडियंस है उनके बीच वाला जो एक स्टैंड होता है वो स्टैंड वहां पर भाईजान सलमान खान लेते, उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट करते हो, उनके ऊपर उंगली उठाते हो, तो भाई आप कहीं के भी नहीं हो। और मैं तो कहता हूं वहां पर बिग बॉस के मेकर्स को कि मैं बिग बॉस के मेकर्स की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, और आप अगर चाहे तो आप इस बंदे को घर से बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत खराब है और इसको वोट्स भी कहीं से भी नहीं मिलने वाले। डाल दो नॉमिनेशन में, सबसे नीचे रहेगा, बाहर निकाल दो। आपने एक बार इसको बचाया है मुझे पता है, लेकिन इसको बचाने की कोई जरूरत नहीं, इसको बाहर निकाल दो। इस तरीके से इस बंदे से आपको टीआरपी भी मिल रहा है तो वो भी मत लो, कुछ फायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? मेरा जितना गुस्सा है पारस छाबड़ा पर आपका भी उतना ही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि जितने भी भाईजान रिस्पेक्ट करते हैं आकांक्षा पुरी का वहां पे ख्याल किया उन्होंने, यानी मतलब यार उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हिमांशी खुराना का वहां भी जिक्र किया कि उसके साथ भी कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मधुरिमा को बहुत अच्छे वर्ड्स में वहां पे घर से बाहर किया है, उसे निष्कासित भी नहीं कह सकते, उसको इविक्ट ही कहना चाहिए हमें। तो ये सारा जो रिस्पेक्ट है, इसके साथ सना के फादर का जो मैटर निकाला उसके ऊपर भी इनको डांट पड़ी। भाई किसका रिस्पेक्ट करता है ये बंदा पारस छाबड़ा, किसका रिस्पेक्ट करता है? हर चीज पर इनको डांट पड़ती है, फिर भी इनको आर्ग्यूमेंट करनी है, फिर भी इनको अपनी चीजें समझानी है कि इस ऐसा ऐसी चीज है। कुछ चीजें वहां पर थी जो भाईजान को समझ में आई, भाईजान ने वहां पर आके बताई, और वो माहिरा शर्मा की थी, शर्मा के लिए थी, लेकिन माहिरा शर्मा को भी वहां पर समझना नहीं है। तो भाई भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, यही अंदर से आवाज आया होगा भाईजान सलमान खान का कि भाड़ में जाओ, जितना मुझे बताना था उतना मैंने बताया है, अब जो करना है आप करो, मरो और लड़ो पीटो, कुछ जो करना है करो, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं। इस तरीके से वहां पे भाईजान में अंदर ही अंदर कह दिया होगा और अपने गुस्से को वहां पे कंट्रोल किया है भाईजान सलमान खान ने। आज के एपिसोड में अगर देखा जाए तो इतना ही कुछ था। पारस छाबड़ा जो बहुत ही नीच लेवल का बंदा है वो बंदा दिखा, इसके साथ ही वहां पर विशाल का गेम प्लान सक्सेस होता दिखाई दिया, इसके साथ ही वहां पर आसिम को इस बहुत बड़ी सलाह दी कि तू हिमांशी के साथ जो है, हिमांशी के साथ तू इस तरीके से रिलेशन रख के आपको लाइफ लॉन्ग जाना है, आप उसको आपको छोड़ना नहीं होगा, क्योंकि उसने तेरे लिए बहुत बड़ी चीज सेक्रीफाइस की है। और बाकी थोड़ा सा फन था, मजा था। अब कल के दिन में आपको टास्क वगैरह देखने मिलेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में आपकी क्या राय थी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था और जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा लगा। रिस्पेक्ट सलमान खान भाईजान, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आपकी राय लिख देना। इसके ऊपर अभी बड़ी बड़ी जो न्यूज आएगी वो मैं आपको जरूर दूंगा, तो जल्द से जल्द चैनल एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते तो आप इंस्टाग्राम @actrider06 सर्च करके हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक मैंने आपकी आसानी हो इसलिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जल्द से जल्द वहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।